लीडर होता है तो उसके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर खूबी होनी चाहिए कि वो ट्रू लीडर बन सकता है। तो देखिए, ट्रू लीडर बनने के लिए अपने को तीन चीजों की जरूरत होती है, ठीक। सबसे पहला तो उसके पास साहस होना चाहिए, ठीक। दूसरा कंपेशन होना चाहिए, तीसरा ड्रीमर होना चाहिए। तो ये जब तीनों चीजें आपके अंदर होगी तो आप एक ट्रू लीडर माने जाएंगे। तो ट्रू लीडर के लिए सबसे पहला है क्या? साहस। तो साहस हम आपको बताते हैं, एक उदाहरण से हम समझाते हैं कि ये साहस कैसे होता है, मतलब क्या उस व्यक्ति के अंदर क्या खूबी होना चाहिए तो वो माना जाएगा कि उसके अंदर साहस है, ठीक, यानी करेज। तो जैसे कि हम आपको एक उदाहरण बताते हैं टिम कुक की। टिम कुक ये है यूनाइटेड किंगडम के, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के, ये एक बहुत ही बड़े प्रोग्रामर है, ठीक। ये क्या करते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रकार का ऐप बना सकते हैं। तो इनको यूनाइटेड किंगडम सरकार यानी अमेरिका सरकार ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं कि जो आईफोन है उसको ये लोग अपने हिसाब से, मतलब कि अमेरिका सरकार उसे यूज कर सके, मतलब किसी भी मोबाइल को लॉक कर सके, किसी भी मोबाइल के प्राइवेसी को यूज कर सके, इस तरह से वो सॉफ्टवेयर चाहती थी। लेकिन टिम कुक को ये पहले तो ठीक है किए, लेकिन इसके बाद जब उनको ये लगा कि अगर हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आईफोन यूजर्स का आईफोन से विश्वास घट जाएगा, तो उन्होंने अमेरिका सरकार को साफ मना कर दिया कि हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, और इस पर मुकदमा चलता रहा। करीबन 4 साल के बाद जब टिम कुक को ये मतलब फैसला हुआ तो अंत में इन्होंने उस केस को जीत लिया। मतलब एक तरफ से टिम कुक अकेले इंसान थे और इधर पूरी अमेरिका सरकार थी कि मतलब आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन उनकी जिद थी, उनकी ऐसी ख्वाहिश थी कि अगर हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना देते हैं जिसके कारण आईफोन यूजर्स की प्राइवेसी या कि उसकी गतिविधियां कंट्रोल की जा सकती है, तो इसलिए ये टिम कुक को गलत लगा कि आईफोन यूजर्स का आईफोन के प्रति विश्वास घट जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, और यही चीज अमेरिका सरकार को उन्होंने अंत तक में समझा पाया। तो अमेरिका सरकार ने माना कि ऐसा सही, वाकई में सही चीज है, इसलिए अंत में उन्होंने केस जीत लिया। तो यह होती है साहस, करेज। जब आपके अंदर करेज होगा, साहस होगा, तो आप कहीं भी किसी भी तरह से परफेक्ट लीडर बन सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर साहस नहीं है, करेज नहीं है, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। किसी भी तरह से कुछ दिनों के लिए आप लीडर बन भी जाते हैं, लेकिन आप एकदम सही लीडर नहीं बनेंगे, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें आपको साहस दिखाने की जरूरत है। जैसे हमारे मराठे ताज शिवाजी राजे भोसले, ये मुगल साम्राज्य के सामने एक अकेले ऐसे खड़े थे, जैसे कि मतलब एक लीडर होना बहुत बड़े साहस की बात है, करेज की बात है। यदि आपके अंदर लीडरशिप वाला जुनून नहीं होगा, आप अपने सैनिकों के अंदर जुनून नहीं भर सकते हैं, तो आपकी लीडरशिप का मतलब नहीं है। जैसे शिवाजी राजे भोसले अगर 50 की टुकड़ी सेना लेके जाते थे तो मुगल साम्राज्य के हजारों पर भारी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक लीडर, ट्रू लीडर रहता था। वो अपने सैनिकों में इतना जुनून भर देते थे, इतना मतलब इतना आग भर देते थे कि वो एक एक 100-100 के बराबर हो जाते थे, जिनमें वो 1000 पे भी भारी हो जाते थे। तो इस तरह से एक लीडर के अंदर करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए। ठीक, दूसरा है कंपेशन। कंपेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, ठीक। आपके अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी भी चीज की, तो आप ट्रू लीडर नहीं है। अगर जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं एक रतन टाटा जी की, जो कि हमारे भारत के बहुत ही भावी बिजनेसमैन है, ठीक। जब आपको याद होगा 26/11 की, मतलब ताज होटल की जब आतंकी हमला हुआ था, तो वहां पे उस दिन जितने लोग मरे थे, चाहे वो ताज होटल के हों, वर्कर हों, कोई खाने आया हो वहां, या आसपास के लोग हों, जितने भी लोग उस दिन उस हादसे में एक्सीडेंटल केस हुआ, खत्म हुए, हादसा हुआ जिनके साथ, उन सब को रतन टाटा ने साहस जाके भरा। वो तो ये सब और उन सब का खर्चा उठाया, जितना हो सकता था मदद की, हर तरह से मदद की, और उन्होंने
आप ये सारे काम वो बढ़िया एसी रूम में बैठ के करवा सकते थे, लेकिन वो खुद गए धूल मिट्टी में दौड़ते हुए लोगों के घर, करीबन 80 लोगों के घर जाके उनको सांत्वना दी कि आपके साथ हम हैं, अगर आपकी जो भी खर्च है वो हम उठाएंगे, जब तक मैं जीवित हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके साथ जो भी दुर्घटना हुआ उसका सारा खर्च हम उठाएंगे, स्कूल फीस, खाने का, रहने का, जितना भी हो सकता था वो सारी चीजें उन्होंने बखूबी निभाया और उन सबको खर्च दिया। तो ये है एक अंडरस्टैंडिंग, ये है कंपेशन, ठीक। और इसी की जगह पे यदि आपको अरेंजेस, ठीक, अरेंजेंस होता है तो वहां पे आप बिल्कुल सफल नहीं हो सकते हैं, आप एक ट्रू लीडर नहीं हो सकते हैं। और फिर तीसरी चीज, आपको दो चीजें अगर समझ में आ गई, साहस, अंडरस्टैंडिंग, ठीक, आपके अंदर करेज है, अंडरस्टैंडिंग है, फिर इसके बाद आपके अंदर क्या होना चाहिए, ड्रीमर होना चाहिए। एक ट्रू लीडर ड्रीमर होता है, ठीक। अगर आपके अंदर ड्रीमर नहीं है, अगर आप भूतकाल में या भविष्यकाल में यानी पास्ट में या प्रेजेंट में जी रहे हैं तो उसका कोई मीन्स नहीं है, आपको फ्यूचर के बारे में जानना होगा, आपको फ्यूचर सोचना होगा। जैसे हम आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाते हैं कि एक ड्रीमर कैसा होता है। आप हमारे, ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम जी को जानते होंगे, वो एक ड्रीमर थे। ये 1998 में ही सोच लिए थे कि 2020 में यानी 2020 में भारत कैसा होगा, उन्हें भारत को कैसा बनाना है, क्या उनको भारत की रूपरेखा होनी चाहिए। ये एक 20 साल पहले यानी 22 साल पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि भारत कैसा होना चाहिए 2020 में। तो ये एक सपना होता है, एक मतलब कि जो एक ट्रू लीडर होता है उसको भविष्य की चिंता होती है, भविष्य के बारे में सोचता है, वो ना तो पास्ट के बारे में सोचता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो हम ऐसे करेंगे उसके साथ। तो ये एक ट्रू लीडर की निशानी नहीं है, उसके अंदर ये चीज यानी कि बदला होना ही नहीं चाहिए। उसके अंदर बदला से शब्द आता है बदलाव, वो बदला छोड़कर उसको बदलाव लाना पड़ेगा। अगर उसके अंदर बदलाव लाने की क्षमता है तो ही वो एक ट्रू लीडर होता है। और एक ट्रू लीडर बनना यानी कि हर तरह से वो संपन्न हो सकता है। यदि आप सपना नहीं देखेंगे, ड्रीम नहीं देखेंगे, तो आपके अंदर जो ड्रीमर है, सपना है, वो आप कभी नहीं पा सकते हो। आप अगर ट्रू लीडर बनना चाहते हैं तो आपको तीन चीजों की विशेष ध्यान रखना होगा, एक करेज होना चाहिए, दूसरा कंपेशन होना चाहिए, तीसरा ड्रीमर होना चाहिए। अगर आपके अंदर तीनों चीजें हैं तो आप एक ट्रू लीडर हैं, और एक ट्रू लीडर बनने के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल ब्रिज गुप्ता को अभी सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, अगर ये वीडियो आपको किसी के थ्रू मिल रहा है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। Yeah!